Good morning dear student today we will start our third lecture on principle of inheritance and variation chapter number 5 today we will discuss with mendel's experiment mendel studied the inheritance of seven pairs of contrasting character of garden pea pisum them. मेंडल ने क्या किया मेंडल ने पाए पी मटर के प्लांट को गार्डन पी से बोला जाता है उसके सेवन डिफरेंट पेयर्स थे करेक्टर के उनको लेकर के जो आपस में क्या थे कॉन्ट्रेस्टिंग थे बट कंसिडर्ड ओनली वन पेयर एट अ टाइम उनको लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया लेकिन हर बार उसने केवल एक पेयर को ही लिया ही क्रॉस टू डिफ्रेंट विथ अल्टरनेट करेक्टर बाई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और उसने क्या किया दो प्लांट लिए जो अल्टरनेट करेक्टर के थे एक दूसरे के अपोजिट थे उनको लिया और उनको आर्टिफिशियली क्या किया पॉलिनेट किया ड्यू टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचर ऑफ गार्डन पी इट्स एंथर रिमूवल बिफोर मैचोरिटी फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ठीक है क्योंकि जो पी प्लांट हैं वो क्या होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइज उनका नेचर होता है फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं तो इससे पहले उन्होंने क्या किया रिमूव कर दिया सारे एंथर्स को सब मेचोरिटी से पहले ठीक है फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेसन ठीक है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा फर्टिलइजेशन से पहले एंथर को रिमूव किया जाता है उसे इमेस्कुलेसन बोला जाता है द पोलन ऑफ अदर प्लांट इज द स्टेड ऑन द फेटियरी स्टिग्मा ऑफ इमेल्सिकेटेड फ्लावर और उस फ्लावर पर जिसका एंथर रिमूव कर दिया गया है उसके ऊपर अनदर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है डस्ट किया जाता है जा। गिराया जाता है ठीक है द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडर इज इनफेक्ट द क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इस प्रोसेस के बाद जो एम्ब्रियो uh, का डेवलपमेंट होगा वो कैसे एम्ब्रियो कहलाएगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड एम्ब्रियो ठीक है और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन टोली हम अगर कहें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने सेवन डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर तो हर बार उन्होंने एक नए करेक्टर को लेके अपना क्या किया अपने दो प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन किया और क्रॉस पॉलिनेसन को रोकने के लिए उन्होंने एंथर को रिमूव किया जिसको इमेस्कुलेशन बोला जाता है ठीक है और इसके फलस्वरूप इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप क्या हुआ उनको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले आगे आएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इट इज मेड ऑफ स्टडी सिमुलटेनियस इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ मैंडलियन फैक्टर इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर केवल एक सिंगल पेयर ऑफ मैंडिलियन फैक्टर के को लेकर के क्या किया जाता है क्रॉस करवाया जाता है इन अदर वर्ड द क्रॉस इन विच ओनली वन अल्टर ओनली अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल करेक्टर आर टेकन इन टू कंसिड्रेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके अंदर केवल एक अल्टरनेट करेक्टर को लेकर के ठीक है आपस में क्या किया जाता है क्रॉस करवाया जाता है तो इस इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के करा करके बैंडल को कुछ दिखा और उन्होंने जो भी उनको दिखा उनको उन्होंने लॉज में क्या किया उन्होंने जितने भी करेक्टरिस्टिक्स के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था उन उनको सेम ऑब्जर्वेशन मिला और उस ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ़ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन मोनोहैब्रिट क्रॉस मिले टू टाइप के उनको लॉस मिले यहाँ पर फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेस लॉ ऑफ डोमिनंस क्या है वैन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर आर क्रॉस्ड जब क्या होता है दो होमोजाइगस ठीक है हेटोजाइगस नहीं होमोजाइगस इंडिविजुअल को जिनके पास कॉन्टेस्टिंग करेक्टर का पेयर हो उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होता है द करेक्टर दैट अपेयर्स इन द एफ वन हाइब्रिड तो जो एफ वन में हाइब्रिड बनेगा वो हो क्या होगा डोमिनेंट होगा डोमिनेंट करेक्टर एंड दैट डज नॉट अपेयर इन एफ वन हाइब्रिड इज रिसेसिव करेक्टेड और जो नहीं दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे रिसेसिव करेक्टर ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जब तो होमोजाइगस इंडिविजुअल का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो एफ वन हाइब्रिड में केवल डोमिनेंट करेक्टर के प्लांट ग्रो करेंगे ठीक है यानी कि जो एफ वन हाइब्रिड होगा जो क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी बनेगी वो सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर वाली होगी इसलिए इसको क्या बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने बताया वेन अ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग फैक्टर और जीन्स और एलिलोम इनगस हाइब्रिड द टू मेंबर्स ऑफ द एलिलिक पेयर रिमेन टूगेदर विदाउट बींग कॉन्टीमिनेटेड उन्होंने क्या बताया जब किसी भी आ, कोई भी दो एक पेयर कॉन्टेस्टिंग करेक्टर का किसी हैड्रोजै जैगोट या फिर हाइब्रिड में अगर हैं दोनों के दोनों कैरेक्टर तो वो क्या नहीं होते हैं वो आपस में कॉन्टेमिनेटेड नहीं होते ठीक है वो आपस में रहते हैं विदाउट कॉन्टेमिनेटेड हुए एंड वेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड और जब भी उन प्लांट्स में जो हाइब्रिड हैं उनमें गे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा तो वो क्या बनाएंगे वो अपने सेपरेट एलेल्स बनाएंगे ठीक है वेन कैमिट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइब्रिड हाइब्रिड से जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा द तो टू एलेल्स सेपरेट आउट तो दोनों के दो एले जो हाइब्रिड में एक साथ हैं वो क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एले इंटर ईच कैमेट और जो नया कैमिट बनेगा उसमें क्या होगा उसमें सारे के सारे जो गैमिट्स आपस में फ्यूज हो गए थे वो अलग अलग हो जाएंगे और एक गेमिट के अंदर केवल एक एल ही जाएगा इट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ़ गेमिट्स और इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉरी लॉ ऑफ साइग्रीगेशन को क्या बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ़ गैमिट्स भी बोला जाता है बिकॉज ईज गैमेट्स इज प्योर इन इट सेल्फ एंड हैविंग आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एल तो हर एक गैमेट यहाँ पर जो फॉर्म होगा हाइब्रिड या फिर हेट्रोजाइगोटिक जो एम्ब्री है उससे वो क्या होंगे आप प्योर होंगे और वो क्या होंगे आपस में आ, या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव होंगे तो एक डायग्राम के हेल्प से हम अभी तक के टर्मिनोलॉजी और लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे फिनोटाइप कौन से होते हैं जो बाकी करेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं जिनको हम देख पाते हैं उनको क्या बोला जाता है फिनोटॉप जैसे टॉल और डॉफ़ ये हैं ये फिनोटाइप है और जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो टीटी -टी और टीटी -टी। गैमेट्स जो फॉर्म होंगे इससे टी होगा क्योंकि दोनों टी हैं और इससे स्मॉल टी होगा फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेंगे ऑल टॉल बनेंगे तो ये क्या हो गया फर्स्ट जनरेशन का जीनो टाइप हो गया केवल डोमिनेंट करेक्टर ये सो रहा है इसलिए इसको लॉब डोमिनेंस बोला जाएगा लेकिन ये दोनों जो एलिल्स हैं ये आपस में कॉन्टेमिनेटेड नहीं होंगे एफ वन क्रॉस के बाद ये क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे ठीक है देखो टॉल और डॉफ डॉर्फ दोनों प्लांट क्या हो जा रहे हैं अलग हो है. अलग हो जा रहे हैं एफ़ वन जनरेसन में केवल ऑल टॉल थे लेकिन एफ टू जनरेसन में टॉल अलग हो गए हैं और डॉर्फ भी बन गए हैं तो थर्ड पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू